तो हेलो गाइस, कैसे हो आप? से मैं स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईटीबी कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिकल के बारे में। फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट दोस्तों कब तक आएगा, आपकी फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है इसमें, फ्रेंड्स तो सारी डिस्कशन हम वीडियो में करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप दोस्तों चाहते हो उसके बारे में हर एक डिटेल्स लेना तो आपको दोस्तों वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो मैं जस्ट मैंने लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपकी नंबर वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपकी जो टोटल पोस्ट है, दोस्तों 241 पोस्ट आपकी टोटल इसमें 241, जिसमें दोस्तों आपकी हेड कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिकल में आपकी सैड वैकेंसीज है। कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिकल में आपकी 181 पोस्ट है, ठीक है? ये आपको पता ही होगा दोस्तों, ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, ठीक है? और दोस्तों आप देख लीजिएगा आप। और फ्रेंड्स बात कर आपके रिजल्ट के बारे में, ठीक है, कितने स्टूडेंट इसमें पास किए गए हैं आपकी बार। तो दोस्तों ऊपर देखिए हेड कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिक एंड कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिक एंड 2017 रिक्वायरमेंट इन आईटीबीपी। फ्रेंड्स आपकी भर्ती गाइस 2017 की भर्ती है, तो इसमें आपके वैकेंसीज बढ़ने के शायद अभी चांस हो सकते हैं, आपकी वैकेंसीज में बढ़ भी सकती हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, इसमें आपकी वैकेंसीज भी इंक्रीज हो सकती हैं। अभी अभी काफ़ी टाइम है आपका रिजल्ट आने में, तो अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है? और फ्रेंड्स अगर बात करें दोस्तों आपके इसके बारे में, आपका कितने स्टूडेंट्स में पास किए गए हैं, तो फ्रेंड्स ये पे देखिए हेड कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिक, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपकी इसमें टोटल पोस्ट थी 60 थी दोस्तों। यहाँ पे पास के स्टूडेंट यहाँ पे जो रोल नंबर देख रहे हो आप फ्रेंड्स, ये आपके 78 रोल नंबर है, ठीक है? 78 को पास किया गया, टोटल आपकी पोस्ट में 60 थी, ठीक है? इन सबको आप मान लीजिए डीएमई या फिर आरएमई में बाहर निकाल दिया होगा, जो भी बाकी एक्स्ट्रा है, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिकल डेट ऑफ डीएमई 5/11/19 से लेके 7/11/19 तक आपका होना था। ये डीएमई और आरएमई इसको हम बोलते हैं मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है? इसमें आपकी टोटल पोस्ट 181 थी, लेकिन इसमें पास किए गए फ्रेंड्स 226, ठीक है? 226 इसमें पास किए गए स्टूडेंट हैं, आप नीचे रोल नंबर देख लीजिए, ठीक है? अगर आपका इसमें रोल नंबर है दोस्तों आपको पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है? और फ्रेंड्स अगर बात करें कट ऑफ के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हेड कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिक मेन लिस्ट 36 पे गई गाइस, इसमें जनरल की एससी है 31 पे, एसटी है 30 पे, ओबीसी की गाइस इसमें 32 पे, ये आपकी लिस्ट गई है कट ऑफ, ठीक है? फाइनल कट ऑफ दोस्तों। और सिटी यहाँ पे कॉन्स्टेबल की देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 26 पे गई है यूआर की, ठीक है? एससी की 18 पे गई है, एसटी की 18 पे गई है, ओबीसी की 17 पे गई है। फ्रेंड्स ये आपकी फाइनल लिस्ट है। अगर आपका दोस्तों इसमें आपका यहाँ पे रोल नंबर है, तो फ्रेंड्स आपके मान के चलिए फाइनली आप इसमें सिलेक्टेड हो, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और किसी ने कमेंट था कि सर हमारा फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो दोस्तों देखिए जब तक गाइस जब लॉकडाउन चला पड़ा, सब कुछ हर एक दफ्तर ऑफिस हर एक महकमा बंद है, ठीक है? आपको पता ही होगा इस बात में, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो फ्रेंड्स आपका रिजल्ट है दोस्तों, ये मान के चलिए आप मई के लास्ट में या फिर जून में आने की पूरी पूरी संभावना है फ्रेंड्स, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब तक ये लॉकडाउन है दोस्तों आपका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि हर एक दफ्तर हर एक ऑफिस बंद है, आपको पता ही होगा, ये बात आपको बताने की भी नहीं है। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आपका रिजल्ट दोस्तों जून में 100% श्योर मैं बोल रहा हूँ आपको, जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक दोस्तों आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो सकती है इसमें, ठीक है? अगस्त तक आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो सकती है इसमें, तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? जिन जिन का सिलेक्शन इसमें हुआ है दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि सर इसमें मतलब हमारा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है इस वीडियो में, कुछ भी आपको बात पूछनी हो किसी भर्ती के बारे में, आप मुझे कमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स, मैं आपको जॉब 100% दूंगा, ये चैनल भाई आपका है। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको कुछ भी डाउट हो आपका, कुछ भी आपको पूछना हो मुझसे, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड थैंक यू सो मच।